मेजर ध्यानचंद, दुनिया जिन्हें हॉकी का जादूगर कहती है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी शायद ये नहीं जानती होगी कि ये तीन शब्द हॉकी के जादूगर एक महज शब्द नहीं या उनको संबोधित करने वाले एक तीन शब्द नहीं है, बल्कि वाकई वो जादूगर थे। और वो जादूगर क्यों थे ये जानने के लिए हम आज उनके घर आए हैं। ये उनका वो घर है, ये उनका एक कमरा है जिसको सहेज कर उनके परिवार के लोगों ने रखा है। और उनके परिवार की उनकी बहू, आपने सुना होगा कि बड़े लोगों की कहानियां बेटे बड़े चाव सुनाते हैं, लेकिन कोई बहू अगर कहानी सुनाती है सोचिए व्यक्ति कितना बड़ा होगा। ये किताब डॉक्टर मीना उमेश ध्यानचंद ने लिखी है, जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, कहानी अपनों की जुबानी। और आज हम मेजर ध्यानचंद के ही एक अपने से, उनकी अपनी बहू से जानेंगे लद्दाख कैसे थे। मीना जी, मेजर ध्यानचंद पास शुरुआत ऐसे करते हैं, हम सब जानते हैं हॉकी अच्छा खेलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन परिवार के साथ कैसे थे, अपने बहुओं के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ, नाती पोतों के साथ, कैसा उनका रवैया था, क्या करते थे? पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा था और बहुत ही वो सच्चे हृदय के जिस कहा जाए, और बहुत ही अच्छे विचार वाले और बहुत ही अच्छे संस्कार से प्रेरित थे। वो उनकी सोच जो आज हम लोग सोच रहे हैं और करना चाह रहे हैं, ये उन्होंने अपने समय में किया था। जैसे बेटा बहू में फर्क नहीं, बहू और बेटी में फर्क नहीं रखना, लड़का लड़की में फर्क नहीं रखना, अच्छी शिक्षा देना, बराबर सम्मान देना। अगर बाहर से भी कोई आ रहा है तो चाहे वो किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, बराबर सम्मान देना, बराबर रेस्पेक्ट देना, बराबर इज्जत देना और इंटरटेन करना, ये बाबूजी की खासियत थी। बहुत ही सिंपल थे। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उन्हें देखने का अवसर नहीं मिला। मेरी शादी 1985 में हुई और 79 में वो नहीं रहे थे, लेकिन हमने उनके बारे में बहुत सी चीज़ें जानी। हमारी जिठानी, हमारी माताजी श्रीमती जानकी ध्यानचंद जी ने बहुत सारी बातें बताई कि बाबूजी कितने अच्छे थे, इतने लोकप्रिय थे बच्चों में, सब में हंसना खेलना और अच्छी तरीके से सब खाना खाना देखना, बहुओं ने खाना खाया कि नहीं, बेटे तो और तो खा लेते हैं, बहू जो है वो हाँ थोड़ा सा दिक्कत। दुनिया उन्हें हॉकी का जादूगर कहती है, लेकिन भारतीय समाज के लिए वो हॉकी के पायनियर भी थे। उन्होंने भारतीय समाज में हॉकी की शुरुआत कैसे की, आप कैसे देखती हैं उस पूरे प्रक्रिया को, उस पूरे दौर को? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा पूछा है क्वेश्चन, कि हॉकी जो था वो एक ऐसा समय था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 19वीं शताब्दी तक में। ये बहुत रिच फैमिली में या अच्छे अच्छे मिलिट्री में या जो बड़े धनाढ्य लोग होते थे उनके बीच खेले जाने वाला खेल था। और ये इंग्लिश, जब हम तो गुलाम थे ही, तो अंग्रेजों ने जो इनके जो रेजिमेंट थे, जो मिलिट्री थी, उसमें से वहाँ से खेलना शुरू किया। और मिलिट्री में तो भारतीय भी होते थे, इंडियंस भी होते थे, तो उन्होंने वहाँ से प्रारंभ किया खेलना, खिलाना। और इस तरह अब उस हॉकी को बाबूजी ने इतना इस तरीके से जादू से भरा हुआ बनाया, ऐसा खेल दिखाया कि लोगों को अचंभित कर देते थे। उनके खेलने की उनकी जो स्टाइल था, उनका जो प्रक्रिया था, जैसे वो खेलते थे, वो लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करते थे। लोग आश्चर्य सरप्राइज हो जाते थे कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये हॉकी देख रहा हूँ या मैं जादू देख रहा हूँ। ये बड़ा ही मतलब, इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा गया। तो जब ये खेल खेला जाने लगा और टीमें बाहर निकलने लगी, इंडिया के मिलिट्री के से टीम तैयार होके और बाहर भी जाने लगी, कई कई प्रतियोगिताएँ आयोजित होने लगी, तो ये खेल जो था वो रेजिमेंट से निकल के, मिलिट्री से निकल के आम जनमानस, आम लोगों तक पहुंचा। लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। लोगों ने सोचा कि वाह, ये तो बहुत अच्छा खेल है। और इस खेल को इतना सुंदर बनाया, इतना अच्छा बनाया बाबूजी ने। और तीन ओलंपिक्स जीतने के बाद 1928, 32, 36 तक तो ये खेल पूरा भारतीय आम जनों में प्रचलित हो गया था। हर व्यक्ति हॉकी के बारे में जानने लगा था। और इस तरह ये खेल, बताइए कि एक तो बात ये हमने देखी, लेकिन हम लोगों ने एक बड़ी कहानी सुनता है, और कोई सुनता है, हर जगह मिलती है, कि मेजर ध्यानचंद ने हिटलर को ना बोल दिया था,
जिसने पूरी दुनिया डरती थी, हिटलर को मना कर दिया, ये सब जानते हैं। लेकिन हमने आपकी किताब में पढ़ा कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी पसीने छोड़ दिए थे। क्या हुआ था कि ये दोनों देश भी उनके साथ डरते थे खेलने से? हाँ, भारतीय टीम के साथ तो बहुत ही जलजला था भारतीय टीम का। उसके पहले भी बाबूजी ने वेस्ट इंडीज वगैरह में खेल के अपना सिक्का जमा लिया था। उनका खेल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। और जब ये खेल इनकी टीम गई 1928 के ओलंपिक में, एम्स्टर्डम जाना था, तो ब्रिटेन होते हुए, लंदन होते हुए इन्हें जाना था वो उस स्थान पर। तो रास्ते में इन्हें ब्रिटेन लंदन रुकना था और वहाँ इनके मैचेज होने थे। वहाँ एक महोत्सव होता है जो फोक स्टोन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस फोक स्टोन महोत्सव में कई मैचेज होते हैं, तो ब्रिटेन की जो टीम थी और भारत की जो टीम थी, इन टीमों के बीच में मैचेज हुए, कई मैचेज हुए, और हर मैच में भारतीय टीम ने इन्हें हराया, इन्हें बिल्कुल बुरी तरीके से पराजित किया, धूल चटा दिया, और इन्हें इतना शर्मिंदा होना पड़ा कि 1928 के एम्स्टर्डम के ओलंपिक में इन लोगों ने अपनी टीम ही नहीं भेजी, ब्रिटेन वालों ने टीम ही नहीं भेजी। ऐसा ही है 1932 के लॉस एंजलिस के अमेरिका के ओलंपिक में, वहाँ भी इतना धूल चटाया, इतना रगड़ दिया कि अमेरिका ने उसके बाद हॉकी में 28-0 से पराजित किया। अमेरिका ने अपनी उसके बाद हॉकी में ओलंपिक्स में हॉकी की टीम भेजना ही बंद कर दिया। तो ये ऐसे ऐसे इतिहास है और ऐसी ऐसी बातें हैं जिसे आम बच्चों को तो जानना चाहिए, आम युवाओं को जानना चाहिए। युवाओं को एक और शौक होता है कविताएं पढ़ने का, शेरो शायरी करने का, और आपकी किताब के जिक्र होता है कि बाबूजी हॉकी के साथ साथ कलम के भी जादूगर थे, उन्होंने कुछ शायरियां भी की थी। कैसी शायरी करते थे, क्या करते थे? हाँ, बाबूजी के अपने जो भी दिमाग में आता था वो थोड़ा बहुत, वो फिल्मी दुनिया से भी प्रभावित थे। फिल्मी जो उस समय के एक्टर थे, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी, जरीना वहाब जी, हेमा मालिनी जी, तो इन लोगों के लिए वो अपने थोड़ी सी कलम चला लिया करते थे, उनके लिए कुछ शायरी भी लिख लिया करते थे। हाँ, हम आपकी किताब में देख रहे हैं कि जनवरी 1968 में जरीना वहाब के लिए उन्होंने लिखा था कि बेचैन हो रही हैं तरसी हुई निगाहें, देखे हुए किसी को बहुत दिन गुजर गए, ये उन्होंने लिखा था। क्या बात है, तो ये एक मेजर ध्यानचंद का वो मतलब था, उनका ये एक अलग ये पहलू है, उनका सॉफ्ट, उनका सॉफ्ट हृदय। वो मिलिट्री के कारण थोड़े डिसिप्लिन में रहते थे, है ना, डिसिप्लिन रहते थे, थोड़ा घर में भी डिसिप्लिन रखते थे, लेकिन उनका हृदय जो था बहुत कोमल था और शायरी करने वाला था, ये चीजें यही बताती हैं। तो ये थी मेजर ध्यानचंद की पुत्रवधू डॉक्टर मीना उमेश ध्यानचंद, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से मेजर ध्यानचंद के वो पहलू जो शायद दुनिया के सामने अभी तक नहीं आए थे, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला, चाहे उनके शायराना अंदाज को लेके हो या तमाम जो उन्होंने कई देशों के पसीने छुड़ा दिए थे अपनी हॉकी से। ये सब कुछ सुना आपने लोकल 18 पे। झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।